हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि जैन और गुप्ता 4:3 के अनुपात में लाभों तथा हानि को बांटते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को फर्म का निम्नलिखित आदि चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि वे मिश्रा को 1 अप्रैल 2016 से लाभों में 1/4 हिस्से के साथ निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार के रूप में प्रवेश देने को सहमत हो गए हैं। पहला है कि सभी समायोजनों को करने के बाद नई फर्म की जो भी कुल पूंजी होगी उसका 1/4 जो है वो पूंजी मिश्रा लेकर के आएगा। दूसरा है भवन में 14,000 रुपये से मूल्य में वृद्धि हुई है और प्लांट पर 7,000 रुपये का ह्रास किया जाएगा। देनदार पर प्रावधान को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्य 21,000 लगाया गया है और मिश्रा के प्रवेश के तुरंत बाद पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है और मिश्रा जो है वो अपने हिस्से की ख्याति नकद ही लाएगा। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे। तो हमारे समाजों ने बोला है कि भवन में 14,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो भवन का मूल्य बढ़ा यानी कि संपत्ति का मूल्य बढ़ा, संपत्ति की मूल्य बढ़ती है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड दिखाते, तो बाय बिल्डिंग हो जाएगा। कितने का बढ़ा है? 14,000 रुपये मूल्य की वृद्धि हुई है। और फिर बोला कि प्लांट में 7,000 रुपये का ह्रास, यानी कि 7,000 रुपये की कमी हुई, कमी हुई तो डेबिट साइड में दिखाएंगे तो 2 प्लांट हो जाएगा कितने का, 7,000 का। उसके बाद बोला है कि जो हमारे देनदार हैं उनके जो प्रावधान है उसको बढ़ाकर 1,000 करना। अब देखिए जो बैलेंस शीट है उसमें जो प्रावधान है वो कितना है, 300 रुपये, और अब बोला है कि उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये करना है, उनकी 300 की जगह हमें 1,000 का प्रावधान करना है। तो कितने की बढ़ोतरी अब हमें करनी है, 700 रुपये और, 300 पहले से ही है, 700 और बढ़ा देंगे तो टोटल हमारा 1,000 का प्रावधान हो जाएगा। तो 700 रुपये का हम लोग कर देंगे 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक, बोला है 1,000 रुपये करना है बढ़ा कर, ये नहीं बोला कि 1,000 रुपये और बढ़ाना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सेंटेंस को ध्यान से ही पढ़ करके तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का, सारी मदें हमने दिखा दिया, इसके अलावा और कोई मद नहीं है। तो हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 14,000 रुपये दोनों साइड का, और हम 14,000 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 6,300 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन है? तो हमारा जैन है और गुप्ता, इन लोगों का पुराना रेशियो 4:3 का है, तो उस रेशियो में क्या करेंगे ये लोग अपना प्रॉफिट जो है वो बांटेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रॉफिट जैन और गुप्ता। ठीक, तो जैन लेगा 6,300 का 4/7, तो इसका हो जाएगा 3,000 रुपये, और उसके बाद 3,600 रुपये। ठीक है, और गुप्ता जो है वो लेगा 6,300 का 3/7, तो वो लेगा 2,700 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 3,600 और 2,700 रुपये। तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना है पुराने पार्टनर्स का कैपिटल? तो 70,000 जैन का है और गुप्ता का 60,000 रुपये। ठीक, मिश्रा के लिए बोला है कि सारी समायोजन को करने के बाद जो फर्म की कुल पूंजी होगी उसका 1/4 मिश्रा अपना कैपिटल लेकर के आएगा। तो हम लोग जब पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व कर लेंगे लास्ट में हम लोग करेंगे मिश्रा की पूंजी निकालेंगे। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे उसकी पूंजी के लिए कैश अकाउंट कर देते हैं, अभी हम लोग पूंजी उसकी लास्ट में दिखाएंगे। फिर बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम बोला है कि वो नकद लगा, अब कितना वो प्रीमियम ला रहा है इसकी गणना हमें करनी थी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि उसका शेयर कितना बन रहा है प्रीमियम का। तो मिश्रा शेयर ऑफ प्रीमियम हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल प्रीमियम जो है टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है, 21,000। अब मिश्रा 1/4 हिस्सा प्रॉफिट का ले रहा है तो वो 1/4 प्रीमियम भी लेकर आएगा। तो इस 1/4 कितना हो गया, 5,250 रुपये, यानी कि मिश्रा प्रीमियम कितना लाएगा, 5,250 रुपये। इस प्रीमियम को हमारे जो जैन और गुप्ता है वो क्या करेंगे, अपने सैक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। बट अभी हमें क्या करना होगा, न्यू पीएल रेशियो निकालेंगे फिर सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू पीएल रेशियो करेंगे हम लोग पहले। तो देखिए टोटल प्रॉफिट जो है वो तो 1 है, और मिश्रा का जो शेयर है वो कितना है, वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वो कितना होगा, 1 - 1/4 = 3/4। अब जो जैन है वो कितना लेगा, तो जैन लेगा 3/4 का, उसका पुराना रेशियो 4/7, तो इस हिसाब से उसका हो जाएगा 12/28। और गुप्ता का 3/4 का 3/7, तो इसका जगह 9/28। और जो मिश्रा है उसका तो 1/4 के लिए वो आ रहा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हो जाएगा 7/28, यानी कि न्यू पीएल रेशियो 12:9:7 ये बन रहा है। अब निकालेंगे हम लोग सैक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा सैक्रीफाइसिंग रेशियो, तो जैन कितना सैक्रीफाइस करेगा, तो जैन करेगा पुराना हिस्सा उसका कितना था 4/7, और नया है 12/28, माइनस कर देगा, एलसीएम हो जाएगा 28, ऊपर गए 16 - 12 = 4/28।
गुप्ता की बात कर रहे हैं तो गुप्ता जो है उसका पुराना हिस्सा 3/7, नया 9/28, एलसीएम हो जाएगा 28, 12 - 9 = 3/28, यानी कि इन लोग का जो रेशियो है सेक्रीफाइसिंग वो 4:3 का है। अब इस रेशियो में ये लोग जो मिश्रा का प्रीमियम है बांटेंगे, तो यहाँ पे जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, ठीक। तो जो जैन है वो लेगा 5,250 रुपये था उसका प्रीमियम, टोटल 5,250 का 4/7 लेगा जैन यानी कि 3,000, और गुप्ता जो है वो लेगा 5,250 का 3/7 यानी कि 2,250 रुपये। बस इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ जैन के कॉलम में 3,000 और गुप्ता के कॉलम में 2,250 रुपये हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, कितना प्रॉफिट था तो 3,600 जैन का था और 2,700 रुपये गुप्ता का था, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई भी मद नहीं है जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी हो, सिर्फ बचा है हमारा मिश्रा का कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैन और गुप्ता की जो पूंजी है टोटल, इसे मिलाने के बाद जो हमारी कुल पूंजी आएगी वही हमारी कुल फर्म की पूंजी होगी। क्योंकि अभी फिलहाल मिश्रा के आने से पहले अगर हम लोग बात करें फर्म की कुल पूंजी की, तो वो किसकी पूंजी होगी, वो जैन और गुप्ता की ही पूंजी होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, फिर इनका टोटल निकालने के बाद जो पूंजी आएगी उसका 1/4 मिश्रा देगा। तो देखिए जब हम लोग इसे टोटल करते हैं तो टोटल करने पे हमारा आएगा ये 76,600 रुपये और ये आएगा 64,950 रुपये, ठीक है। अब इस 76,600 और 64,950, यहाँ पे बैलेंस सीडी भी वही आएगा, तो यहाँ पे जगह 2 बैलेंस सीडी 76,600 और 64,950, तो कुल फर्म की पूंजी कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिश्रा का कैपिटल कितना बोला है क्वेश्चन में, कि बोला है 1/4 किसका, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का जो 1/4 होगा वो उतनी पूंजी मिश्रा लेके आएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, तो 76,600 रुपये जैन का प्लस 64,950 रुपये गुप्ता का, इन दोनों का मिला देंगे पूंजी, तो ये टोटल कैपिटल ऑफ हमारी फर्म हो गई इसका 1/4। तो 1/4 इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा ये आएगा 141,550। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो जैन मिश्रा की पूंजी आएगी वो आएगी 35,388 रुपये, ठीक है। 35,388 रुपये इतनी पूंजी जो है वो हमारा मिश्रा लेकर के आएगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के सामने हम लोग 35,388 रुपये मिश्रा का कैपिटल दिखा देंगे और यहाँ टोटल भी 35,388 रुपये होगा और यहाँ मिश्रा का जो बैलेंस सीडी आएगा वो भी 35,388 रुपये आएगा। इसको हम लोग इस साइड का भी टोटल कर देंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान था, सिर्फ और सिर्फ बोला था कि सारा जो भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है मदें, उन्हें दिखाने के बाद जो भी कैपिटल आएगा पूरी फर्म का उसे हम लोग को उसका 1/4 मिश्रा लेकर के आएगा पूंजी। तो बस हमने वही सॉल्व किया है, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स हमारे हैं 20,000 रुपये के। उसके बाद देय विपत्र यानी कि बिल्स पेएबल है 3,000 रुपये का और बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, कितने का, 17,000 रुपये का। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कैपिटल, तो कैपिटल में जैन गुप्ता और मिश्रा, ठीक, ये तीन लोग हैं। जैन की कैपिटल थी 76,600, गुप्ता की थी 64,950 और मिश्रा की 35,388 रुपये। टोटल हो गया इनका 1,76,938 रुपये, ओके। अब चलेंगे एसेट साइड में। सबसे पहले कैश, तो कैश अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे हम लोग को कैश निकालना होगा। तो देखिए कैश हमारे पास पहले से है 14,800, उसके बाद 35,388 रुपये जो नकद में कैपिटल लेके आया मिश्रा और उसके बाद 5,250 का प्रीमियम जो लेकर के आया, तो टोटल मिला के कैश हो जा रहा है 55,438 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 55,438 रुपये। उसके बाद देनदार यानी कि डेटर्स, डेटर्स हमारे टोटल है 20,500 के, उनमें से हम लोग क्या करेंगे माइनस प्रोविज़न करेंगे, तो प्रोविज़न बोला था 1,000 करना है, तो अब हमारे डेटर्स हो गए 19,500 के। स्टॉक में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 20,000 का ही दिखाएंगे। प्लांट जो है वो हमारे हैं 40 के, बट इसमें 7,000 का हराश हुआ था तो माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे 7,000 का, तो अब हमारे प्लांट हो गए 33,000 के। और लास्ट है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी यहाँ पर है 75,000 की और बट बिल्डिंग में हमारा बढ़ोतरी हुआ था यानी कि एप्रिशिएशन 20,000 का, ठीक, सॉरी 14,000 का हुआ था, तो अब हमारी बिल्डिंग हो गई 89,000 की, ओके। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें दिखानी थी, अब इसके अलावा और कोई मदद जाएंगी नहीं, हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो आएगा 2,16,938 रुपये और इस साइड का भी आएगा 2,16,938 रुपये, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।